अहमदाबाद के कोतवाली क्षेत्र में सोशल स्वावलंबन फाउंडेशन ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। वहीं इस अवसर पर 4 दिवसीय अखंड ज्योति कार्यक्रम भी किया गया आयोजित। रविवार को भारतवासियों में पुनः मात्र प्रेम जागृत होने की मंशा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सोशल स्वावलंबन फाउंडेशन द्वारा 23 जनवरी 2022 से लेकर 26 जनवरी 2022 तक अखंड ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल काका क्रिएशन निकट कोतवाली बाजारगंज में स्वतंत्रता संग्राम के इस महानायक द्वारा दिए गए बलिदान का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। वहीं उनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडिया गेट के निकट उनकी प्रतिमा स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है, वे न्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत पहले मिलना चाहिए था, इसलिए हम सब देशवासी प्रधानमंत्री के आभारी रहेंगे। इस मौके पर सोशल स्वावलंबन फाउंडेशन के संस्थापक अंकित अग्रवाल ने शायरी द्वारा भारतवासियों को एक संदेश दिया। कार्यक्रम में हेतल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष स्वाति अग्रवाल, उपाध्यक्ष सौरभ शुक्ला, ऋषभ गुप्ता, महक साधमा एवं विपिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा अंकित अग्रवाल, मैं फाउंडर हूँ, ये को फाउंडर थे भाई साहब। मेरे 4 लाइनें कहनी हैं जो मेरे हृदय से निकली हैं। फिर कहीं बनेगा मंदिर, फिर कोई बनेगी मस्जिद, शायद अब की बार कोई और खबर भी लाएगा कासिद। फिर कहीं बनेगा मंदिर, फिर कोई बनेगी मस्जिद, शायद अब की बार कोई और खबर भी लाएगा कासिद। गीता वाचे मेरे नैना या कुरान पढ़े तेरी आँखें, हर हाथ उठे मेरे वतन को करने माजिद। नेता हो सुभाष सा, हिंदू कहो या मुसलमान बनो, हर मन बन जाए मंदिर इसमें भगवान बसे श्री राम सा। अब्दुल हो तो कलाम सा, अपनी माँ पर हो जो सलाम सा। मुझे ज़्यादा कुछ अब कहना है नहीं कहना, मेरे अक्ष में दिखता है अब मुझको आज़ाद और भगत सिंह, देखूँ जब जब मैं अपना आईना। मुझे अब और कुछ नहीं कहना, कहता है मुझसे लहू भी मुझ में रगो में, के बेमतलब अब मुझे और नहीं बहना। वंदे मातरम। मैं आपका सौरभ शुक्ला। सौरभ जी, कौन से सोशल स्वावलंबन फाउंडेशन से हैं और हमने सुभाष चंद्र जी के 125वीं जयंती पर जो मोदी जी ने आज उनको न्याय दिलवाया है आज़ादी के 3 साल के बाद, उसी उपलक्ष्य में हमने 3 दिन के लिए जनवरी से 23 जनवरी से 26 जनवरी तक अखंड ज्योति जलाने का निर्णय लिया है। और ये कई सरकारें आई और गईं, लेकिन कभी किसी ने इनको न्याय नहीं दिलवाया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, उनके हम सब आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।